नमस्कार दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत में प्रचलित है कि हमारे धर्म, हमारे सनातन धर्म, हमारी संस्कृति अत्यंत ही प्राचीन है और इसमें अनेक ऋषि मुनि, अनेक तपस्वियों ने अपना योगदान दिया है। भारत भूमि तपोभूमि रही है और यहाँ विद्या का केंद्र रहा है। दोस्तों, एक समय पर भारत विश्वगुरु था, जब कहीं भी संपन्नता नहीं थी, कहीं भी विद्या नहीं थी। उस समय भारत में अनेक यज्ञ, अनेक हवन, अनेक विद्याएं एवं अनेक प्रकार के विज्ञान के प्रयोग हुआ करते थे। दोस्तों, भारतीय मनुष्य पूर्व काल से ही प्रकृति के द्वारा दिए जाने वाले संकेतों को समझने की क्षमता रखता है और आज भी मनुष्य प्रकृति के द्वारा दिए जाने वाले संकेतों पर विश्वास करता है। हालांकि आज का विज्ञान इन बातों को नहीं मानता, परंतु जो लोग जानते हैं और जो विश्वास करते हैं, उन्हें मालूम है कि ये संकेत कभी भी विफल नहीं जाते। दोस्तों, इन संकेतों को पहचान कर मनुष्य अपने आगामी समय को अनुमानित कर सकता है, उसे अपने पक्ष में कर सकता है। दोस्तों, मनुष्य इन संकेतों को जानकर अपने आने वाले अच्छे अथवा बुरे समय को अपने पक्ष में कर उसी प्रकार से कर्म करके यथाशक्ति अपनी उन्नति कर सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तोते के द्वारा दिए जाने वाले शुभ संकेत अथवा अशुभ संकेत। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में एक बार जय श्री राम अवश्य लिख दीजिए। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए चलते हैं अपने वीडियो की ओर, जिसमें हम बताएंगे कि तोते के किस प्रकार दिखने के क्या अर्थ होते हैं और उसका असर शुभ होता है अथवा अशुभ। दोस्तों, अगर तोता आपके घर में अचानक से आ जाए तो इसे एक शुभ संकेत समझा जाता है, क्योंकि तोते का संबंध भगवान कुबेर से है, जो धन के देवता हैं, जो धन की रक्षा करते हैं। इसलिए ऐसा समझा जाता है कि आपके घर में अति शीघ्र धनोत्पन्नति होने वाली है अथवा आपका धन बढ़ने वाला है, शीघ्र ही आपको धन लाभ होने वाला है। साथ ही तोते को कामदेव का वाहन भी माना जाता है, इसलिए यह भी समझा जाता है कि जिन घरों में विवाह योग्य पुरुष या स्त्री हैं, वे लोग शीघ्र ही विवाह बंधन में बंधने वाले हैं अगर उनके यहाँ तोते ने प्रवेश किया है। उनके घर में, उनके आंगन में, उनकी छत पर या उनके घर की परिधि में किसी भी स्थान पर। दोस्तों, वहीं तोते को ज्योतिष शास्त्र में बुध का कारक भी माना जाता है और बुध व्यापार के लिए, लाभ के लिए, वैभव के लिए अत्यंत ही आवश्यक ग्रह है। जिस घर में तोता अनायास ही प्रवेश करता है, उस घर में बुध की कृपा होती है और उन लोगों का व्यापार, उनकी नौकरी में उन्हें अच्छा लाभ होता है, नौकरी में पदोन्नति होती है एवं व्यापार में वे अच्छा लाभ कमाते हैं, उनके घर में ऐश्वर्य बरसने लगता है। नंबर दो, सपने में तोता खरीदते हुए देखना। दोस्तों, अगर आप सपने में तोता खरीदते हुए देखते हैं तो इसे भी एक शुभ संकेत समझा जाता है और ऐसा समझा जाता है कि शीघ्र ही आप अत्यंत ही खरीदारी करने वाले हैं, यानी बहुत सारी खरीदारी करने वाले हैं और खरीदारी आप किसी शुभ कार्य के लिए करेंगे। नंबर तीन, सपने में तोते को पकड़ते हुए देखना। दोस्तों, अगर आप सपने में स्वयं को तोते को पकड़ते हुए देखते हैं तो इसे अच्छा सपना नहीं माना जाता है। ऐसा समझा जाता है कि कोई आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करता है, आपका हंसी उड़ाता है। दोस्तों, अगर आप सपने में तोते को घर में पकड़ते हुए देखते हैं तो यह व्यक्ति आपके नज़दीक का ही हो सकता है, अपितु अगर आप जंगल में पकड़ते हुए देखते हैं तो वह व्यक्ति आपके दूर का है। नंबर चार, सपने में तोते के अंडों को देखना। दोस्तों, अगर आप सपने में तोते के अंडों को कहीं रखा हुआ या किसी घोंसले में या कोठर में या कहीं भी आप सपने में तोते के अंडे देखते हैं तो यह अत्यंत ही शुभ स्वप्न समझा जाता है। अगर आप किसी नए कार्य के लिए प्रयासरत हैं तो उस कार्य को तुरंत शुरू कर दीजिए, आपकी सफलता के चांसेस 100% इस समय माने जाएंगे।
दोस्तों अगर आप कोई नया काम शुरू कर रहे हैं तो शीघ्र कर दीजिए, और अगर नया काम करने की काफ़ी दिनों से शुरू करने की सोच रहे हैं तो उसे इस समय क्रियान्वित करने का यह सबसे अधिक उत्तम समय है। नंबर 5, सपने में मरा हुआ तोता देखना। दोस्तों अगर आप सपने में मरा हुआ तोता देखते हैं और आप कोई नया कार्य शुरू करने वाले हैं तो उसे अभी शुरू ना करें, अभी थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि यह असफलता को दिखाता है। इसलिए नया व्यापार या नया कोई कार्य शुरू करने से पहले अगर आपको ऐसा स्वप्न आता है तो आप अभी समय का इंतजार कीजिए, अपने अच्छे समय का इंतजार कीजिए, तब कोई नया कार्य शुरू कीजिए, अभी मत कीजिए। नंबर 6, सपने में तोते से बात करते हुए देखना। दोस्तों अगर आप खुद को सपने में तोते से बात करते हुए देखते हो तो यह एक शुभ स्वप्न माना जाता है और ऐसा समझा जाता है कि शीघ्र ही आपको सफलता मिलने वाली है, आपके बिगड़े हुए कार्य बनने वाले हैं। दोस्तों वहीं अगर आपके घर में तोते का जोड़ा आता है और वह आवाज़ करता है तो उसे खाने के लिए अवश्य दें, इसे शुभ संकेत समझा जाता है और यह शीघ्र ही आपके धन में वृद्धि करने वाला है। दोस्तों आपकी मनोच्छा पूर्ण होने वाली है अगर तोते का जोड़ा आपके घर में आकर अपनी आवाज़ करते हुए फुदकते हुए आपको दिखता है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। धन्यवाद। जय सियाराम।